ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है। अगर हर कोण 60 डिग्री है मेरे बच्चों, तो इसमें किसी भी साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचूं, किसी भी साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचूं, हाँ है ना, अगर इस साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो ये जो ट्रायंगल बनेगी ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगी, ये भी मेरे बच्चों एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगी, हाँ है ना। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन के पैरेलल यहां लाइन खींच दूं तो भी ये जो ट्रायंगल बनेगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी, क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये पैरेलल है इसके तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये भी मेरे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाते वक्त ये चीज लिखिएगा, और ज्योमेट्री में किसी, अच्छा गढ़वाल में है, उत्तराखंड में, हाँ एक श्रीनगर वहां है गढ़वाल में, सही कह रहा, मुझे भी यही बताया था उन्होंने उत्तर, मैंने पूछ लिया था जब मुझे लगा कि अभी फेल तो करने वाले हैं, पूछ ही जाए इनसे, तब उन्होंने बताया था। देखो यार इस बात को हमें ये कह रहा था कि आप नोट्स के भरोसे मत बैठिए, वैसे हम नोट्स आपको दे देंगे क्योंकि बच्चों के जिनके तैयार होते हैं उनसे लेके हम सबको देते हैं, लेकिन आप नोट्स के भरोसे मत बैठिए, आप एक एक नोट्स खुद भी बनाइए, एक एक नोट्स आप खुद भी बनाइए, आपके काम आएगा। देखिए क्या नोट्स बनाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचेंगे तो जो त्रिभुज बनेगा वो भी सूरज करके कि बच्चा कह रहा सर अगर मैं वहां रहता तो आपसे 3200 मीटर दौड़ाता, साले इसीलिए तो तू वहां नहीं है। चलो तो किसी समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचेंगे तो वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी, तो यानी ये भी इक्विलेटरल होगी, क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन के पैरेलल खींचे।